लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप ही का इंतजार कर रहा था। देखिए अंधेरा छा गया और मौसम भी खराब हो गया। मौसम को आज ही खराब होने था। कुदरत की किताब का पन्ना किसने जाना है साहब। वन्ना लेट्स मूव इन। छोड़ो ना वंदना, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन नो लेकिन नो बट ओनली हग। मैं फ्रेश होके आती हूँ। आई लव यू। अभी नहीं डार्लिंग। प्लीज कम ऑन मैं फ्रेश होके आती हूँ। कम ऑन। ओ यस। ओ नो। ओ यस। कम। ओ यस स्वीट। कम ऑन बाबा। लो आ गई तुम्हारी वंदना तुम्हारे पास। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें अपनी ड्रिंक्स प्यारी हैं। क्यों? ओह नो, ड्रिंक में वो नशा कहाँ। अच्छा जो तुम्हारी सांसों में है। ओह रियली? यस। साबित करूं? करो। सच में? सच में। ओके एंड यू? हाँ। सिट हियर, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू माय डार्लिंग। कहाँ जा रहे हो? यू स्टे हियर, आई एम कमिंग इन अ मोमेंट। ओके कम बैक सून। Thank you.
खामोश हूं। अपना सरप्राइज नहीं देखोगे क्या? आप दिखाइए ना। लेडी अर्जुन सिंह को अभी आना था। तो वहां कौन थे? घर से फोन आया था, मैं तो चली गई थी। तुम यहाँ खड़ी हो? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तो फिर वहां कौन थे? आर यू ऑल राइट? नहीं, तुम अभी वहां थी। तुम अभी अभी मेरे साथ बेड पर थी, सो रही थी। राज, तुमने ज्यादा पी ली होगी इसलिए मैं तुम्हें नजर आ रही हूँ। ओह नो, मैंने इतनी भी नहीं पी है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अभी बेड पर थी कुछ देर पहले। राज, नो डियर, यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेट्स मूव, चलो यहाँ से। राज, ये सब तुम्हारा भ्रम है। नॉट एट ऑल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कह रहा हूँ ना। नहीं, तुम्हारा मैंने देखा है। मैंने देखा है। तुम्हारे ज़्यादा, मैं सच कह रहा हूँ। ज़्यादा पीने से ये सब हुआ है। नहीं। नहीं राज, तुम्हारा भ्रम ही है। तुम कह रही हो? हाँ। ऐसा? प्लीज मुझे लिफ्ट। मैं कोई लिफ्ट देने नहीं जा रहा हूँ। उनके हाथ से खून बह रहा है। हेल्प मी प्लीज। ओके प्लीज राज, थैंक यू। आपके हाथ से तो काफी खून बह रहा है। टपकने दो लहू को, यह तो हथेली का खून है। दिल पे लगे जख्म कैसे दिखाएं? प्लीज गाड़ी रोक दीजिए, मेरी मंजिल आ गई। उसके पाँव में देखो। ओ राज प्लीज। मैं सच कह रहा हूँ, ये वही पाजेब है जो मैंने उसके पाँव में पहनाई थी। राज, तुम्हें क्या हो गया है? चलो देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। आती नहीं।
बन्ना उठो उठो बन्ना। राज। ओह गॉड। यस तो तुरंत निकलो। साहब और मैम साहब डर गए ना आप भी? कोई भी डर जाएगा। बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी साहब उस रात। अचानक जंगल में आग लग गई और उस आग में लड़के और लड़कियां सारे जलकर राख हो गए साहब। और उस रात बहुत बुरी मौत हुई थी उनकी, बहुत बुरी मौत हुई थी। तब से हर अमावस की रात इसी तरह यहाँ पर पार्टी होती है और इसी तरह लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं और उन सभी की आत्मा इसी तरह भटकती है साहब, इसी तरह भटकती है साहब। ये कब्रिस्तान उन्हीं की लाशों का है, उन्हीं की लाशों का है। भाग जाइए मैम साहब को लेकर साहब यहाँ से भाग जाइए। पीछे मुड़ के मत देखना साहब, पीछे मुड़ के मत देखना। भाग जाओ साहब, भाग जाओ, भाग जाओ। राज ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जला हवा में इतना
साहब आप बगैर बोले अपने बंगले से आ गए। हमें बड़ी चिंता हो रही थी साहब, हम उस बंगले पर अब ड्यूटी नहीं करेंगे, चाहे हमारा 2 महीने का पगार काट लीजिए। वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती है, रूह और आत्माओं की आवाजें साहब, हमें बहुत डर लगता है, हम वहाँ ड्यूटी नहीं कर सकते साहब, हम वहाँ ड्यूटी नहीं कर सकते, प्लीज साहब। शट अप। ए खामखा काहे के लिए डराता रहता है? बेबी कहाँ है? बेबी सो रही है, सो रही है आराम से, सो। चलो बंदी। साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ दे दो। मिस्टर यशवंत, दिस इज पुलिस कमिश्नर चौहान स्पीकिंग। नमस्कार कमिश्नर साहब। नमस्कार नमस्कार। यशवंत मटका के टाइम सर के मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए आता हूँ। सर यशवंत, प्रभु ने आपके अंदर जो अनेक शक्ति सर दी है, शक्ति को आपने बखूबी समाज कल्याण में लगाकर मानव मूल्यों को बचाने का संकल्प किया, और अभी अभी ब्रजेश माथुर केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये सर मैंने ये न्यूज आई जस्ट सॉ ऑन द टेलीविजन सर। यशवंत सर, वो इस सारे केस की डिटेल्स आपको बता रहे हैं सर, एंड आई होप हमेशा की तरह आप इस केस को भी बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व कर देंगे। जी ओके सर, और ये मेरा विश्वास है आप सर, अगर ईशो ने साथ दिया तो मैं इस केस को यू सॉल्व कर दूंगा। आप भेज दीजिए घर पे। बेटा अपना ख्याल रखना। बिटिया स्कूल जाएगी। बाय मम्मी। बाय। चलो। अर्पिता ने किसको बाय किया? यशवंत साहब है? आइए इंस्पेक्टर साहब, फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के घर में आपका स्वागत है। हेलो सर। हेलो सर, डिपार्टमेंट को एक बार फिर से आपकी मदद की जरूरत है। मेरा तो जीवन ही समाज कल्याण के लिए है, दुष्ट लोगों से इस सोसाइटी को मुक्त कराना ही मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है। आपका केस क्या है, पूरी डिटेल्स बताइए। सर पिछले महीने शहर के एक बड़े रईस मिस्टर ब्रजेश माथुर एक बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, और उनकी पत्नी सर कमिश्नर साहब की शिकायत मुख्यमंत्री तक करने की धमकी दे रही है। तुम यहीं बैठो। ओके सर। साहब मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? आपको किसने बुलाया है साहब? जिसने मुझे बुलाया है। आइए साहब। मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। आइए दरवाजे। रोहित, ब्रजेश माथुर जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। What? उनकी हत्या कर दी गई। और ये हत्या उनकी पत्नी मारिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई है। Oh my God! और उसकी लाश बंगले के पिछवाड़े दफन हुई पड़ी है। Thank you, sir. The Mumbai police is really thankful to you. सर, कमिश्नर साहब ने जो तस्वीर भेजी थी वो तो मेरे ही पास रह गई। ये तो अभी
जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। वो ब्रजेश माथुर की रूह थी। अच्छा, तो आपको भेजा गया है मेरी प्रॉब्लम समझने के लिए? जी हाँ, मुझे भेजा गया है। ओके, लेकिन डॉक्टर, मैंने उसके पाँव में भी वही पाजेब देखी थी। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या सोचते हैं कि उस डिजाइन की इस दुनिया में बस एक ही पाजेब है? ये देखिए, जैसी शर्ट आपने पहनी है वैसी ही मैंने भी पहनी है। ये शराब आपकी सारी परेशानियों की जड़ है। ओके, दिस मे बी ए कोइंसिडेंस यार, तुम्हारी शर्ट हमारी शर्ट से मिल सकती है। यस, दैट वाज आल्सो अ कोइंसिडेंस। नशे की वजह से आपको लड़कियां आती और जाती नजर आती है। एक्चुअली यू नीड सेक्स। अ लॉन्ग गैप क्रिएटेड दीज इल्यूजंस। मेडिकल टर्म्स में इसे हेलोसिनेशन कहते हैं। ये अच्छा, हेलोसिनेशन क्या होता है? आपने लगे रहो मुन्ना भाई देखी है? नहीं। उसमें महात्मा गांधी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने और सोचने की वजह से मुन्ना भाई को हर जगह पे बापू दिखाई पड़ते थे। सेम थिंग, लड़कियों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की वजह से आपको हर जगह लड़कियां दिखाई पड़ती हैं। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयां भिजवा देता हूँ जिसे आप वक्त पर लेते रहिएगा। हो गई तुम्हारी बात। और ये शराब पीना थोड़ा कम कीजिए। हो गई तुम्हारी बात। हो गई। ओके, तुम्हारी मंजिल आ गई है डॉक्टर, यू मे गो नाउ। ओके बाय। हाँ राज, मैं बोल रहा हूँ। भाई, मैंने अपना असिस्टेंट तुम्हारे पास भेजा था। यार कमाल है, तुमने उसको डांट के गाड़ी से भगा दिया। उसकी बात सुनते तो सही। अच्छा खैर, ये सब बातें छोड़ो। मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट की फाइल भिजवाई है और वो तुम्हारी बीमारी का सलूशन है। ये जो तुम्हें बार बार लड़कियां इधर उधर दिखाई देती है ना, तुम्हारी ये बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। ओके ओके, तुम चिंता मत करना राज। ओके, तुम बिल्कुल ठीक हो। ओके, मैं देखता हूँ।
देखें। अरे खून, खून, अरे तुम्हारे यहाँ से तो खून बह रहा है। पकने दो लहू को, ये तो हथेली का खून है। दिल पे लगे जब कैसे दिखाएं। बीच रास्ते में क्यों खड़ी हो? हेलो टर्न मिस्टर, नो हैंड्स अप। कौन हो तुम, ये क्या कर रही हो? शट अप। कौन हो तुम? चुप चुप। ये क्या मजाक है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। What you were doing? ये सब क्या था? हाँ, मैं जेनी। जाने मन, तुम्हारी बेवफाई में भी बहुत वफा है। मरती हूँ तुम पे। सुना है योर वाइफ इज सो ब्यूटीफुल, मुझे मिलाओगे नहीं? इट इज नॉट पॉसिबल। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों क्यों नहीं, मैं आपके पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी और आज मैंने वो पोस्ट फिर से गेन कर ली है। क्या आप अपनी सेक्रेटरी को भी नहीं मिला सकते हो? वो तो है।
जल्दी चल। अरे राज, तुम्हारे घर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। कैसे नहीं है? बिटिया घर में है, साहब घर में है, मेम साहब घर में है, ये नाचीज गुलाम घर पे है। वंदना, ये तुम्हें क्या हुआ? और ये तुम ये गाना कैसे गा रही थी? वंदना, वंदना आंखें खोलो। अर्जुन जी साहब, क्या हुआ साहब? मेम साहब को क्या हुआ? देखो वंदना को क्या हुआ, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। जेनी, जेनी तुम जरा वंदना का ख्याल रखो। मैं देखती हूं, मैं ही चला जाता हूँ डॉक्टर को लाने। वंदना जी, क्या हुआ आपको? वंदना जी, राज, 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 वंदना, वंदना जी मुझे छोड़िए। क्या हुआ? राज, राज, ये देखो, देखो मेरा हाथ, राज मेरा हाथ टूटा जा रहा है, राज, प्लीज, प्लीज मेरा हाथ छुड़ाओ, राज, राज, मैं मर जाऊंगी, मेरा हाथ। अरे, ये तो मुझसे भी नहीं छूट रहा है। राज, राज मेरा हाथ, मेरा हाथ अभी टूट जाएगा। वंदना के हाथों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? राज, प्लीज मुझे बचाओ, राज। वंदना, छुड़ाओ राज, छुड़ाओ, छुड़ाओ। अर्जुन, मम्मी, 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 तुम कहाँ? ये सब क्या है? और ये तुम्हें क्या हो गया था? आप कौन हैं? आज ब्रिजेश माथुर की हत्या को हुए 36 घंटे भी नहीं हुए हैं और पुलिस ने उनकी पत्नी मारिया और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। ये केस भी वही केस है, सेक्स और अवैध संबंधों के कारण हुआ अपराध। लेकिन कुछ लोग और हमारे विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि पुलिस को इतनी बड़ी सफलता ऐसे ही नहीं मिली। इस सफलता के असली हकदार है डॉक्टर यशवंत, जो इस वक्त हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित है। तो डॉक्टर यशवंत, क्या ये सच है कि आपने ब्रिजेश माथुर की आत्मा को बुलाकर इस पूरे राज से पर्दा उठाया? जी हाँ, यही सच है। लेकिन इस आधुनिक जमाने में, इस वैज्ञानिक युग में आप आत्मा में विश्वास करते हैं? Why not? देखिए साहब, जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ स्पिरिचुअलिज्म शुरू होती है। स्पिरिचुअलिज्म भी एक साइंस है। आत्मा है तो शरीर है, अगर आत्मा ही नहीं तो शरीर एक लाश है। आत्मा तब तक तड़पती रहती जब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता। अननेचुरल डेथ जी, अपनों के द्वारा की गई हत्या। जब कोई अपना ठेस पहुंचाता है तो कितना दुख होता है, ऐसे ही अपनों के द्वारा की गई हत्या आत्मा को बेचैन रखती है और रूह को तड़पाती है जी। और उस आत्मा, उस रूह को मुक्ति तब मिलती है जब उसे इंसाफ मिलता है। मेम साहब, मेम साहब, मैं इनको जानता हूँ। उसकी पत्नी ने खुद उसकी हत्या करवाई। ये हमारे पास में ही रहते हैं। दरअसल अच्छा, अर्जुन सिंह ने बहुत अच्छी तरह से जानता है। कमिश्नर साहब भी उसे गुरु को मानते हैं जिस गुरु को मैं मानता हूँ। बस ये बहुत ज्ञानी लोग हैं। अपने घर में जो अजीबो गरीब हो रहा है ये उसे ठीक कर सकते हैं। मेम साहब, मैं तो कहता हूँ कि एक बार
बिटिया को इनको दिखाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यशवंत साहब। मैंने इनके बारे में आपको बताया था ना, कुछ कीजिए इनके लिए। अर्जुन सिंह, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा कि ये मेरा पेशा नहीं है? कितनी मर्तबा कहा है? एनीवेज, आप लोग प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। बड़ी प्यारी बच्ची। दरअसल मैं कुछ दिनों से अपने घर और अपने घर के आसपास कुछ अजीब सी चीजें महसूस कर रही हूँ। ये कौन है? ये मेरी बेटी अर्पिता है। सॉरी, झूठ बोल रही हूँ। क्या? You're lying. You're still a virgin. लेकिन? और आपने एक शादीशुदा आदमी से शादी की है। आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं सब जान सकता हूँ। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए ना। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। टुमारो आई बी एट योर प्लेस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू बच्चे। नमस्ते साहब। वेलकम सर। जस्ट मोमेंट। अर्जुन सिंह आ जाओ। ये वायलिन। अच्छा आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। ये वायलिन किसका है? ये तो मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। ये तो मेरी मम्मी का था। मम्मी का? ये सब क्या है? कौन है ये? राज, ये है प्रोफेसर यशवंत और ये मेरे पति हैं। मुंबई पुलिस में फ्रीलांसिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और साथ ही भूत प्रेत का भी इल्म रखते हैं। भूत प्रेत? भूत प्रेत का भी इल्म रखते हैं? एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? हेलो ऑफिसर। एक ऑफिसर होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूँ और आप भी एक इंसान है और हम दोनों में कॉमन फैक्टर है, वो है हमारा शरीर, और शरीर में होती है एक रूह। तुम्हारी इन बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। भूत प्रेत रूह ये सब बकवास है। मरने के बाद कुछ नहीं होता। ये कोई जरूरी नहीं मिस्टर राज। जो दिखता है वो होता है और जो नहीं दिखता वो नहीं होता। इस कायनात की सारी अदृश्य शक्तियां वो दिखती नहीं लेकिन वो होती हैं। हवा दिखती है लेकिन वो है। पानी दिखता है लेकिन उसका कोई कलर नहीं होता। समय इंसान को बचपन से बुढ़ापे में तब्दील कर देता है लेकिन वो दिखता नहीं। विज्ञान इस पर विश्वास करे ना करे लेकिन डॉक्टर्स जहां जवाब दे देते वहीं से कायनात की अदृश्य शक्तियां शुरू होती हैं और यही सच्चाई है। एंड दैट्स द अल्टीमेट ट्रुथ। रूह के बिना शरीर एक जिंदा लाश है मिस्टर राज। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं। मिस्टर राज,
इस घर के अंदर कोई है जो बेचैन है मिस्टर राज, और इंसानियत के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उस रूह को मोक्ष दिलाने में उसकी मदद करें। तुम्हारे इस घर में रूह है मिस्टर राज? वन्ना, तुम लोग को जो समझ में आए करो, मेरी तो दिल्ली में अर्जेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूं, बाय। मीनाक्षी, प्यार तो मैनू भी है। मीनाक्षी, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मुझ फौजी से शादी करके क्या तू खुश रह पाएगी? हैं? तू इतने बड़े घर की लड़की, मैं एक छोटा सा फौजी, सरकारी नौकर, तू मेरे साथ खुश रह पाएगी? मीनाक्षी, मेरा दिल कभी कभी रोता है मीनाक्षी। मुझे तुम पर गर्व है, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। पापा, ये कैप्टन सुरजीत सिंह है, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सर, मैं कैप्टन सुरजीत सिंह आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ सर कि मैं एक फौजी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक फौजी हूँ। मेरी पहली मोहब्बत, मेरा वतन, मेरा देश, सब कुछ मेरी वर्दी है, मेरा वचन है। लेकिन सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मीनाक्षी का पूरा ख्याल रखूँ, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। सर, मैं आपसे मीनाक्षी का हाथ मांगता हूँ। पहली कुड़ी नहीं, मुंडा नहीं, नहीं मुंडा, पहली गुड़िया लड़का, और नहीं नहीं पहलो लड़की होगी, बस लड़का, और नहीं लड़की, लड़का कुड़ी और नहीं कुड़ी। अच्छा चो, जो भी रख देगा खुशी खुशी चोली में ले, सतना श्री भाई। मैनू पुकार रहा है मीनाक्षी, मेरा वतन मुझे पुकार रहा है, मैनू जाना ही होगा मीनाक्षी, मुझे जाना होगा, मैं लौट के आऊंगा मीनाक्षी, मेरा तेरे नाल वादा है, मैं लौट के आऊंगा, रब की कसम मैं लौट के आऊंगा, मुझे जाने दे मीनाक्षी, रब की कसम मैं लौट के आऊंगा। इतने दिनों बाद अब आए हो, कहां थे इतने दिन? बहुत देर कर दी तुमने आने में, बहुत देर। ओए, तू तो काटती भी है, ए उठा लवांगा और तेनू चक के रख दो। एक मिनट, ए पैर जमीन ते ना, मैले हो जाएंगे। हाय, मर जावा तेरे हाथों गुड़ खा के।
आज तू लग रही है मेरी असली सिकनी मलाई दे टोनियो। ओए होए, पैसे वाले घर के हो सुनियो, अगे पीछे नौकर, उते थले नौकर, खुश रहोगे ना एक फौजी के साथ? क्यों नहीं रहूंगी जी, और वैसे भी इंसान खुश पैसों से थोड़ी ना होता है, इंसान बड़ा होता है अपनी सच्चाई और ईमानदारी से। मेरे सरदार से सच्चा और ईमानदार तो लाके दिखाऊं, तेरी इसी बातों पे मेरा दिल आ गया। ओए होए, कितने मर जावा तेरा तो गुड़ खा के। ओए जे सोनी ते सिखनी दे चला ते सरदार है ना, रब साडे प्यार नु नजर ना लगावे। ऐसी बातें क्यों करते हो? मेरा जिस्म रहे या ना रहे, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, जन्म जन्म के लिए। मोतियां वाले हो मेरे सोनियों, मलाई दे डोनियों। जन्म रहूंगी तेरे संग मेरी जान, हर जन्म रहूंगी तेरे संग मेरी जान। जब तलक है धरती और है ये आसमां, मर के भी न बिछड़ेंगे हम तुमसे मेरी जान, मर के भी न बिछड़ेंगे हम तुमसे मेरी जान। जज्बों में हलचल तुझको बना लो अपनी आँखों का काजल, प्यासी जमीन पे बरसा बनके तू बादल, प्यासी जमीन पे बरसा बनके तू बादल। आग जो भी तन मन में दिखाऊं दिल की बेताबियां, कैसे मैं दिखाऊं दिल की बेताबियां। चाहे नजर ना तू जहां मैं वहां, हर जन्म रहूंगी तेरे संग मेरी जान, हर जन्म रहूंगी तेरे संग मेरी जान। जब तलक है धरती और है ये आसमां, मर के भी न बिछड़ेंगे हम तुमसे मेरी जान, मर के भी न बिछड़ेंगे हम तुमसे मेरी जान। हेलो कैप्टन सुरजी, हेलो हेलो हेलो, मैं मेजर राठी बोल रहा हूँ। सर कैप्टन, वी हैव टू कंडक्ट अ सर ऑपरेशन अगेंस्ट अ टेररिस्ट कैंप, यू हैव टू कम राइट नाउ। कैप्टन यू हैव टू कम राइट नाउ। आई विल बी राइट देयर सर। ओवर एंड आउट। राइट सर। कहाँ जा रहे हो जी? ड्यूटी। जाना जरूरी है। मैं लौट के आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है।
और इस हादसे में मेरी याददाश्त चली गई। पिछले 8 सालों से मैं गुमनामी की जिंदगी बिता रहा हूं। उस हादसे के बाद मैं गुरुदेव के आश्रम में कैसे पहुंचा मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने ही मेरा इलाज किया, मेरी तीमारदारी की। पिछले 7 साल कोमा में रहने के बाद भी आज मैं आपके सामने जिंदा हूं। देखो बेटा, मैंने इन 7 सालों में सारी शक्तियां तुम्हें दी। इन शक्तियों को लेकर अपनी दुनिया में जाओ और जन कल्याण करो। और मुझे विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से तुम्हारी याददाश्त जरूर वापस आएगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इन्हें भेजा है। प्रणाम गुरुदेव। इनके साथ जाओ और जन कल्याण में इनका साथ दो। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय गुरुदेव। और फिर मैं मुंबई आ गया। 8 साल अर्पिता मतलब उन्हें मीनाक्षी ने जन्म देता। इसका मतलब यह हुआ अर्पिता मेरी बेटी है। मासी, तो क्या ये मेरे पापा हैं? हाँ बेटा, पापा। आओ मेरे बच्चा। भी नहीं मेरे बच्चे। पापा, क्या आप जानते हैं मम्मी हमसे कभी कभी मिलने आती है। मीनाक्षी। पापा, आप तो मम्मी की तरह मुझे नहीं छोड़ के जाएंगे ना? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। पापा, आप कहाँ चले गए थे? पापा, पापा, क्या आप जानते हैं मम्मी हमसे कभी कभी मिलने आती है। मम्मी ने कहा था कि किसी को नहीं बताना। What? मीनाक्षी की मौत कैसे हुई? दीदी की तो नेचुरल डेथ हुई थी, पर आपकी मौत की खबर सुनके दीदी पूरी तरह से टूट गई थी। मगर वर्षों बाद दीदी ने फिर से बिजनेस को संभाला और एक दिन मेरे फ्रेंड रोहित ने दीदी से अपने मन की बात कही। दीदी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? दीदी, आपको पता है मैं पुलिस सर्विस क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ? वंदना के लिए। एक बार उसी ने मुझसे कहा था कि मुझ पर पुलिस की यूनिफॉर्म बहुत सूट करती है और वो मुझे उसी में देखना चाहती है। अच्छा, तो ये बात है। तू चिंता ना कर, मैं तेरे मन की बात समझ गई हूँ। जिस दिन तू पुलिस की यूनिफॉर्म में आएगा उसी दिन मैं वंदना से तेरी सगाई कर दूंगी। मम्मी, अभी मेरे कौन हैं? तेरे मौसा। मालिक, मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ। ओके। कम बेटा। बोलो। बिटिया को सुलाने के लिए ले जाना है। आओ बेटा, इधर आओ। लैपटॉप बंद कर दो। आओ बेटा, क्या कर रही थी लैपटॉप पे? गेम खेल रही थी। अभी बेटा तुम्हारा खेलने का टाइम खत्म हो गया, अब तुम सोने को जाओ। तुम इसको इसकी मम्मी के पास ले जाओ। गुड नाइट। आ जा बिटिया। आइए आइए मिस्टर राज, व्हाट हैपेंड? सर, ये कुछ पेपर्स। व्हाट इज दिस पेपर मिस्टर राज? सर, कल जो बोर्ड मीटिंग हुई थी। व्हाट ए बोर्ड मीटिंग इज? उसमें आपके दस्तखत चाहिए सर।
signature required? If I do the signature later on, please come and sit, please. I have to talk very important, please come and sit. Yes, sir. जी सर राज जी तुम मीनाक्षी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सीईओ हो मीनाक्षी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने कितनी प्रोग्रेस की इसमें तुम भी भागीदार हो तुम्हारी भी हिस्सेदारी है मैं तुम्हें मेरी जिंदगी के बारे में तुम्हें कुछ ऐसी बात बताना है जो दुनिया में किसी को नहीं पता वो राज मेरी और मेरी बेटी के अलावा किसी को पता नहीं है मैं कैंसर से पीड़ित हूं समय चल रहा है कैंसर की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी दिन भगवान के पास जा सकता हूं राज मैं अपनी मौत के पहले अपनी बेटी मीनाक्षी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूं मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे सर आपने मुझे नहीं बेटा मुझे सर ना बोलो राज मैं तो एक बाप की हैसियत से तुमसे बात कर रहा हूं बेटा आपने मुझे इस लायक समझा यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है लेकिन आज से आप मेरे सर नहीं मेरे पापा बेटा तुमने मुझे पापा बोला बेटा मेरी इज्जत का ख्याल रखना बेटा मेरी इज्जत रखना और मेरी मीनाक्षी को भी हमेशा खुश रखना आप कोई फिक्र नहीं वही मेरी सब कुछ है और वंदना और अर्पिता का भी ख्याल रखना बेटा मैं पूरा ख्याल रखूंगा आशीर्वाद दीजिए गॉड ब्लेस यू माय सन गॉड ब्लेस यू फिर 7 साल बाद चाचा जी के दबाव में आके दीदी ने राज से शादी कर ली लेकिन दीदी ने राज को कभी अपने मन से पति स्वीकार नहीं किया दीदी आज आपकी शादी की पहली सालगिरह है आपकी शादी को 1 साल हो गया है फिर भी आपने कभी जीजा जी को एक्सेप्ट नहीं किया है दीदी ये सही नहीं है शादी की सालगिरह मुबारक हो अगर आप इजाजत दे तो आज इस मौके पर ये पाजेब जी रूठ कर अब कहां जाएगा जहां जाएगा हमें पाएगा जी रूठ कर अब कहां जाएगा जहां जाएगा हमें पाएगा जी रूठ कर पकड़ो पकड़ो बेबी को पकड़ो
पकड़ लिया। मेरी बेटी जीत गई। अरे देवी ने हमको बराबर पकड़ लिया। अर्जुन काका। हाँ मेरी बेटी। मेरी बेटी। मेरी बेटी जीत गई। मम्मी कब तक आएंगी? उनकी बहुत याद आ रही है। मम्मी मम्मी तो भैया लाने गई है। घर में खुशियाँ आएंगी। मम्मी भैया लाएंगी। मम्मी भैया लाएंगी। मम्मी बाबूलाल आई तो है लेकिन किसी की नजर ना लग जाए। ऐसे ना बोलो अर्जुन काका, क्यों लगेगी नजर? अरे मेरी बच्ची। क्या हुआ मेम साहब? मम्मी क्या हुआ? दीदी क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं बेटा। डॉक्टर को फोन लगा। हाँ लगाती हूँ। वरना तुम तुरंत डॉक्टर को फोन लगा। इमीडिएटली। तुम्हारा हेलो। डॉक्टर सिन्हा? नो। लेट जा। नो। हाँ। ओके। बी कंफर्टेबल। डॉक्टर सिन्हा एक महीने के लिए लंदन गए हैं। ओह शिट। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ। मैं राज बोल रहा हूँ। मेरी वाइफ की तबीयत खराब है। आप तुरंत हमारे बंगले पर पहुंचे। इमीडिएटली। यस कम सून। घबराने की कोई बात नहीं है। इन्हें मामूली सा फीवर है। मैं दवाइयाँ दे देता हूँ। और हाँ दवाइयाँ इनको टाइम पर देते रहिएगा। और अगर टाइम पर नहीं दी तो बीमारी बढ़ सकती है। आप बेफिक्र होके जा सकते हैं। कैसे चला जाऊँ डॉक्टर? यहाँ मीनाक्षी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं इन्हें कैसे छोड़ के चला जाऊँ? ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जाइए। यहाँ वंदना तो है ही मेरे देखभाल के लिए। वंदना जी। मैडम ठीक कर रही है। डॉक्टर मैं तभी जाऊँगा जब तुम यहाँ रहोगे 24 घंटे। और इनका पूरा पूरा ख्याल रखोगे? मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। आप निश्चिंत रहिए। डोंट वरी। वरना तुम एक सेकंड के लिए भी जी मीनाक्षी से अलग नहीं होना। जी समझ गए? हाँ जी। हेलो
अर्पिता। मम्मी मम्मी उठो ना, मम्मी मम्मी उठो ना, मम्मी मम्मी उठो ना, मम्मी उठो ना, मम्मी मम्मी उठो ना, मम्मी उठो ना, मम्मी मम्मी उठो ना, मम्मी 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 उठो ना, मम्मी उठो ना, मम्मी मम्मी उठो ना, मम्मी देखो ना मम्मी को क्या हो गया, मम्मी नहीं उठ रही है। दीदी 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 आपको क्या हुआ? हेलो दीदी कुछ बोलिए ना। हेलो 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 जीजा जी। हां वंदना बोलो क्या हुआ? दीदी को क्या हो गया? हेलो हेलो क्या हुआ क्या हुआ मैम सबको क्या हुआ? हां मैं बुलाती हूं डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। हां हां मैं देखता हूं। देखिए ना दीदी को क्या हो गया, देखिए ना सब क्या हुआ, देखो ना देखो ना डॉक्टर साहब। दीदी दीदी कुछ बोलिए ना, दीदी डॉक्टर देखिए ना दीदी को क्या हुआ है, दीदी कुछ बोलती क्यों नहीं आप, दीदी प्लीज कुछ बोलिए ना। हेलो हेलो जीजा जी। हेलो दीदी कुछ बोल नहीं रही। हेलो हेलो मुझे फोन दीजिए। मिस्टर राज योर वाइफ इज नो मोर। और फिर मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। मीनाक्षी की स्वाभाविक मौत हुई है तो फिर उसकी आत्मा भटक क्यों रही? कोई ना कोई राज जरूर है। क्या राज है गुरुदेव, कौन सा राज है वो? मीनाक्षी तुझे बताना पड़ेगा, तेनू रब दा वास्ता मीनाक्षी, हमने सात जन्मों की कसमें खाई हैं, सात जीने सात मरने की। वो कौन सी बात है जो तुझे तड़पा रही है? वो कौन सी बात है जो तुझे तड़पा रही है? तेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली मीनाक्षी, वो कौन सा राज है? ओम काली माता काली माता है नमः, ओम काली माता है नमः। हे माँ काली, मीनाक्षी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, उसकी आत्मा भटक रही है। हे माँ काली, मेरी मीनाक्षी की आत्मा को मुक्ति दे, उसकी आत्मा भटक रही है, उसकी मौत स्वाभाविक थी। हे माँ काली, तू तो जानी जान है। मीनाक्षी मीनाक्षी तू जाना ही पड़ेगा। मीनाक्षी तुम कहां हो? मीनाक्षी तू जाना पड़ेगा हमारी खातिर। ओम ऐंग्री क्लिंग, ओम ऐंग्री क्लिंग काली माता है नमः। तुम्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा मीनाक्षी, तुम्हें आना पड़ेगा मीनाक्षी। ओम ऐंग्री क्लिंग काली माता है नमः। मीनाक्षी वो राज क्या तुम्हें बताना पड़ेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं काली माता है नमः। 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 मीनाक्षी मीनाक्षी तुम्हें आना पड़ेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं काली माता है नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं काली माता है नमः।
तो है वो, ऐसे कितने राज होते हैं जो हम अपने जीते जी नहीं जान पाते, पर मौत, मौत इन सब बातों से पर्दा उठा देती है। काश मुझे ये सब कुछ जीते जी ही पता चल जाता। बताओ कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। तुमने दवा खाई? नहीं, खा लूंगी मैं। नहीं खाई? क्यों? क्या कहा था डॉक्टर ने तुम्हें? पता है। अगर समय पे दवा ना ली गई तो बीमारी बढ़ सकती है। तुरंत जाओ। हाँ बाबा, जाती हूँ अभी। अरे वही बस ड्रॉअर में देखो। ड्रॉअर में तो नहीं है दवा। अरे नहीं, सामने सामने कबर्ड है, उसमें चेक करो। हाँ। यस, टैबलेट रखी हुई है, निकाला तुमने? पर इस दवा में कोई नाम नहीं है। अरे नाम छोड़ो ना डार्लिंग, बस एक टैबलेट निकालो और उसे खा लो। खा ली दवा अब मैंने। और वो शीशी और उसमें एक जो ऑरेंज कलर की बोतल है उसमें से निकालो। पर इसमें तो कोई लेबल ही नहीं है। अरे डॉक्टर्स बनाते हैं ना ये दवा, तो इसमें शायद लेबल नहीं लगाते हो। दिस इज द परफेक्ट मेडिसिन फॉर यू। कितनी दवा पीनी है? अरे वो एक खुराक, दो खुराक की दवा है, उसमें से एक खुराक लेनी है तुम्हें। ले लिया तुमने? आधी आधी पी ली मैंने। वेरी गुड। थैंक यू, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ना। एकदम परफेक्ट मेडिसिन मिल गई है तुम्हें, अब तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। देख लेना, अब तुम्हारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये क्या हुआ? पता नहीं ये क्या हुआ, अजीब सा लग रहा है मुझे। वहाँ किसकी आवाज सुनाई दे रही है? तुम्हारे साथ जेनी है क्या? इसका मतलब है दवा असर दिखा रही है। गुड बाय। ये क्या क्या राश तुमने? गुड बाय, गुड बाय मीनाक्षी, गुड बाय। तेरी बेवफाई ने वो कहर किया है, सारे रिश्तों को तूने तोड़ दिया है। जुल्म से तेरे आसमां भी रो पड़ा है, जुल्म से तेरे आसमां भी रो पड़ा है।
तुझ पे मेरी जाएगी कयामत, अब तुझ पे मेरी जा। मुबारक हो राज, आज तुम इस अंपायर के मालिक बन गए, मीनाक्षी इंडस्ट्रीज के मालिक, सब मेरी बदौलत। सही कहा तुमने, लेकिन तुमने इतनी अच्छी दवा लाई कहां से? अरे यार तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो हैं? ठीक कहा तुमने। पापा। हाँ बेटा। सॉरी राज, मैं यार मैं भाभी जी को बचा नहीं सका यार। मैंने तो तुमसे बहुत उम्मीदें की, तुम्हारे भरोसे छोड़ कर गया था मैं, ये सब क्या हो गया, तेरे भरोसे छोड़ के गया था। मैंने बहुत कोशिश करी यार, बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं भाभी जी को बचा नहीं सका। क्या करूं? याद है ना, तुमने मुझसे 25 करोड़ रुपए देने का वादा किया था इस काम के बदले। हाँ, वाकई तू बहुत बड़ा कमीना है, मैं जानता नहीं था तू इतना बड़ा लालची है। 25 करोड़ कभी सपने में भी तेरे बाप ने देखा है आराम को? कितना बड़ा कमीना है तू। मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ ये तो मेरे पड़ोसी भी जानते हैं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे 25 करोड़ रुपए नहीं दिए ना, तो जिस कैप्सूल से मैंने तुम्हारी बीवी को मारा था ना, एक कैप्सूल है और मेरे पास, वो कैप्सूल मैं तुम्हें खिलाकर समझ लूंगा कि मेरे 25 करोड़ रुपए डूब गए। मेरी रूह को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं रात से बदला ना ले लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मुझे शांति। मैं तेरी कसम खा के कहता हूं मीनाक्षी, तेरी आत्मा को मुक्ति मैं दिलाऊंगा, मैं लूंगा बदला। ए, कौन हो तुम? How dare you? क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों मार रहे? क्यों मार रहे हो मुझे यशवंत? यशवंत नहीं, कैप्टन सुरजीत राम साधे। मीनाक्षी मेरी बीवी थी कुत्ते। तूने क्या सोचा? उसको मार के तू इस शहर में आराम से घूमेगा? मीनाक्षी मेरी बीवी थी। नहीं छोड़ूंगा, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है, मैं मानता हूँ कैप्टन, मैंने कत्ल किया है, मैं कातिल हूँ, लेकिन मुझे मारने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो कैप्टन, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं ऐसा नहीं था कैप्टन, मुझे ये समाज, ये दुनिया बहुत जालिम है, इसने मुझे ऐसा बनाया, मुझे ऐसा इसी ने बनाया। मैंने बचपन से क्या देखा? जब बड़ा हुआ मैंने गरीबी गुर्बत और क्या देखा, चारों तरफ दौलत की कमी थी। मैं जब से होश संभाला मैंने क्या देखा, मेरा बाप जो शराब पीकर मेरी माँ को मारता था, और मेरी माँ को मारते मारते खुद मर गए, और मेरी माँ अपना जिस्म बेच कर कैप्टन, मेरा पेट भरती रही कैप्टन। मैं ऐसा नहीं था कैप्टन, और ऐसी बदहाली में मेरी जिंदगी में जेनी आ गई, जो एक खुशी बनकर मेरी जिंदगी में आई। मैं उसे सब कुछ देना चाहता था, कैप्टन, मैं चाहता था उसके दामन को दौलत से भर दूं, खुशियों से उसका जीवन भर दूंगा, लेकिन
लेकिन मैंने गलत रास्ता अपनाया कैप्टन, गलत रास्ता अपनाया। लेकिन ये रास्ता किस लिए अपनाया, ये रास्ता किस लिए? मोहब्बत के लिए कैप्टन, मोहब्बत के लिए, सिर्फ जेनी की मोहब्बत के लिए। मैं दौलत, मैं दौलत, मैं दौलत, मैं दौलत, मैं पागल हो गया था। मैंने मीनाक्षी की हत्या कर दी कैप्टन। मैं ऐसा नहीं था। मैं प्लीज, तुम भी तो मीनाक्षी से कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी मोहब्बत करते थे। क्या तुम उसका दुख देख सकते थे? नहीं ना। हराम सादे, अब तो मुझे ये बताएगा कि तूने वंदना से शादी क्यों की? मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे पास कोई चारा नहीं था कैप्टन। मीनाक्षी की जिंदगी में मेरे आने से पहले ही मीनाक्षी ने अपनी सारी दौलत वंदना के नाम कर दी थी और वसीयत में उसको ट्रस्टी बना दिया था कैप्टन। मैं क्या करता, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने वंदना से शादी कर ली और फिर एक दिन जरूरी कागजात पे साइन कराने के बहाने मैंने पावर ऑफ अटर्नी पे साइन करा लिया और फिर सारी दौलत मेरी हो गई। हाँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ कैप्टन, बहुत कमीना हूँ। मुझे एक मौका दे प्लीज। मैं वादा करता हूँ कैप्टन, वादा करता हूँ, मैं सारी दौलत, संपत्ति सब तुम्हारे और अर्पिता के नाम कर दूंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज, एक मौका। इस एक मौका देने में कोई बुराई नहीं, और वैसे भी मैंने इसकी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड कर ली हैं। हमारे पास काफी सबूत हैं इसके खिलाफ। तू इतना बड़ा कमीना है कि तुझे माफ तो नहीं करना चाहिए। मेरी लेडी ऑफिसर, इसके कहने पर मैं तुझे एक मौका और देता हूं। सिर्फ 24 घंटे हैं तेरे पास, उसके बाद चलिए ऑफिसर। बहुत Kill those bastards. Yes, boss. Right now. Okay, boss. Right now. Okay. Kill them. No. No. I am the only boss of this Meenakshi Industries. मुझे कोई नहीं हरा सकता। Meenakshi Industries, मैं ही बॉस। I'm the boss. Excuse me. क्या वक्त हुआ है? 10:45, 10:45। यही है तुम्हारी मौत का वक्त। सर, सर क्या हुआ सर? यशवंत सर क्या हुआ? Oh shit, he's bleeding. Oh shit, सर कौन था वो? सर कौन था? Oh shit, I should take him to the hospital. ठीक तो हो जाएंगे ना? ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है, होश जब तक नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता। पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? डोंट वरी बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। Thank you.
तेरा कैसा अन्याय है प्रभु, और कितने अत्याचार करेगा मुझ पे। मैंने जीते जी कभी अपने आस्था और विश्वास में कोई कमी नहीं आने दी, लेकिन तूने क्या किया, मुझ पे मेरी जिंदगी छीन ली, मेरी बच्ची को अनाथ बना दिया, और अब जब मुझे न्याय मिलने वाला था तो ये किया है तूने, ये ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ। आज मुझे जवाब चाहिए, आज तुझे अपने अस्तित्व का एहसास दिलाना होगा मुझे, आज तुझे ये बताना पड़ेगा कि तू सिर्फ पत्थर की मूर्ति नहीं, तेरा भी एक अस्तित्व है। आज तुझे वो चमत्कार करना पड़ेगा जिससे तेरा वजूद कायम रहे इस दुनिया में, वरना कौन विश्वास करेगा तेरे वजूद पे, कौन जाएगा तेरे दर पे, कौन जाएगा मंदिर या मस्जिद या चर्च और गुरुद्वारे में, कौन जाएगा प्रभु। आज मेरी ये जिद है कि तुझे इनके प्राण लौटाने होंगे, दे मुझे वो शक्ति जिससे मैं इन्हें वापस ला सकूं और उस पापी को सजा दिला सकूं, वरना आज मैं तेरी हर शक्ति को ललकारती हूं। आज इम्तिहान किसी भक्त को नहीं तुझे देना है, और ये मेरे रूह की आवाज है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शरीर असमर्थ हो गया है, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। गुरुओं के निमित्त से आज मुझे जो दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, वो दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश करने जा रही है, ताकि तुम अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला बड़ी आसानी से ले सको। कोई भी नहीं है। अरे फिर लाइट। हाँ ये लाइट, ये पर्दा क्यों खोलता जा रहा है, ये तो मैं बंद करके आई थी। फिर खुल गया ये पर्दा। डरूंगी नहीं, छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
पैसे भिजवा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। डॉक्टर साहब बाहर एक मैडम आई है और नाम अपना जेनी बताती है। तुम बाहर जाओ। जेनी तुम यहाँ, कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो है। ठीक है मैं चेकअप कर लेता हूँ। हाँ बताओ जेनी क्या प्रॉब्लम? ये देखो मेरे जिस्म पे कितने जख्म हैं। मुझे तो कोई जख्म दिखाई नहीं देता। तुम्हें कैसे दिखाई देंगे, ये जख्म तो बहुत गहरे हैं। मतलब तुम यहाँ करने क्या आई हो? बेवफाई, तुम्हारे दोस्त राज के साथ बेवफाई। क्या कर रही हो? राज जेनी, मीनाक्षी इंडस्ट्रीज ओवर नाउ, अब उड़ने की तैयारी करो। ओके राज। ये है वो ख्वाब जो हम दोनों ने मिलकर देखा था। 550 करोड़ रुपए मीनाक्षी इंडस्ट्रीज के हमारे स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये देखो मीनाक्षी इंडस्ट्रीज के 550 करोड़ रुपए हमारे स्विस अकाउंट में आ रहे हैं। राज आखिर पा लिया हमने जो चाहा था। मीनाक्षी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की सारी दौलत आज हमारी है। हमने जो खुशियां चाही थी आज हमारे पास है, आज हमारे पास है। और हम कल सुबह की फ्लाइट से स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ओ राज आई लव यू। जब पापियों के पाप से आते हैं जलजले, अधर्मियों के जुल्म से फटता है आसमां, तो कुदरत भी नहीं करती कयामत का इंतजार, तब रूह भी ले लेती है जालिमों से इंतकाम।
भी है, मिलने की चाहत भी है, रास्ता भी है, रिश्ता भी है, पीछे हमारे कयामत भी है रे, पीछे कयामत भी है। कुदरत के मंजर है कितने अलबेले, Jenny, get ready soon. We are late. Hey, Jerky. ये तूने क्या किया? मेरी बरसों की मेहनत को तूने मिट्टी में मिला दिया? तूने मुझे
बर्बाद कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेबी अपने आप, बेबी इतनी रात में यहां कैसे आई? एक बच्ची का ख्याल नहीं रख सकता, तुम्हें किस लिए रखा गया? हां लेके जाओ बेबी को। इतनी रात में यहां कैसे आ गई? राज देखो मैं क्या, तुम्हें किस लिए रखा है हमने? एक बेबी का ख्याल नहीं रख सकते? साहब मेरी बेबी खुद गाड़ी चला के आ गई, मुझे क्या पता। शट अप, जाओ यहां से, चलो जाओ यहां से। ठीक है जाइए, गो। मैं कहां हूं? मैं यहां कैसे आई? घबराओ नहीं, देखो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। बाबूलाल, बाबूलाल मैंने नहीं कहा था साहब कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं? ठीक कहते हो अर्जुन सिंह, इसमें जरूर कोई राज है, जरूर है इसमें कोई राज। हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, सिर्फ 2 करोड़ रुपए बचे हैं हमारे पास। मुझे बहुत डर लग रहा है राज। जेने हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने खुश, और तुम ये कैसे कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं होगा? डरो मत, ये कुछ नहीं कर सकते। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज गाड़ी रोक दो राज। सब भ्रम है, धोखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है राज। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। अभी तेज जा रहे हो, मगर समय से तेज कौन जा सका है राज। Oh no, they are very serious. Hello, control room. Yes. Inspector Rohit Rathod baat kar raha hu. Boliye sir. अंधेरी कुर्ला रोड पे एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। आई नीड द एम्बुलेंस अर्जेंटली। ओके सर। या तुरंत भिजवाता हूँ सर। या ओके, यू डिजर्व इट राज, यू डिजर्व इट, ये तो होना ही था। मिस्टर राज, आपकी प्रेमिका जेनी को हम नहीं बचा सके, शी इज डेड। और एक बात, आपकी गाड़ी के डिक्की में से जो 2 करोड़ रुपए मिले थे वो मैंने आपकी बीवी को दे दिए हैं। राज अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अपना गुनाह कबूल करके दीदी की आत्मा को शांति क्यों नहीं पहुंचा देते? क्या फायदा जबकि सारे राज से पर्दा उठ चुका है। डॉक्टर ने आपके लिए टेबलेट दी है, मुंह खोलिए। पानी, राज यही है तुम्हारा परफेक्ट मेडिसिन। गुड बाय।
गुड बाय, गुड बाय राज, गुड बाय। मिरेकल, ये तो वाकई चमत्कार है। जब मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाती है तो वहां पर प्रभु का चमत्कार, वाकई प्रभु का चमत्कार काम करता है। जन्म रहूंगी तेरे संग मेरी जान।